Assalamu alaikum. This is the fourth session for quantitative analysis and research for management. The course code is MGT491, and I'm Usman Minsaf. Let's talk about what we learned in the last session. A quick review, or just a summary, in fact. In the last session, we defined what is a research question, how to develop research questions, from where the research questions comes from, and how to narrow down and shortlist them. And then we talked about, we discussed in detail how to transform research questions into a research problem. Then we saw what is the importance of research problem, why do we need it, what are the sources of research problem, and then what were the considerations while selecting a research problem. किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए जब हम एक रिसर्च प्रॉब्लम नैरो डाउन कर रहे हों या आइडेंटिफाई कर रहे हों. फिर हमने देखा कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने के लिए. इवेंचुअली फिर हमने रिसर्च प्रॉब्लम से देखा कि हम कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव में. हमने लास्ट सेशन में ये सीखा था, देखा था कि बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च प्रॉब्लम ही होता है, सिर्फ उसमें वर्डिंग्स चेंज हो जाती हैं. रिसर्च प्रॉब्लम में तो आप पूछते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं इशू के ये मसला है, अब उसको हल कैसे करना है. आप ऑब्जेक्टिव में ये बताते हैं कि मैं इस मसले को हल करने के लिए टू डिटरमिन दिस आई विल डू दिस. दिस इज द अप्रोच. देन वी टॉक्ड अबाउट ऑपरेशनल डेफिनेशंस. हमने इसकी इम्पॉर्टेंस देखी, ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्यों ज़रूरी होती हैं, इनसे हमारी स्टडी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे कंक्लूजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस एस्टैब्लिश कैसे करते हैं. इसकी हमने क्विक एग्जांपल्स क्या देखी थी, पावर्टी लाइन मेरे लिए हो सकता है कि मैं उसको पुअर कहूँ जिसकी तनख्वाह 10,000 से कम हो. आपके लिए पुअर वो हो सकता है जिसकी सैलरी 15,000 से कम हो, लेकिन 15,000 और 10,000 में 5,000 का डिफरेंस है. अब मैं अगर अपनी स्टडी में अपनी इस डेफिनेशन को, पावर्टी की डेफिनेशन को, पावर्टी लाइन को अगर मैं आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं करता कि मेरे ख्याल में मैं पुअर इस स्टडी में उस बंदे को कह रहा हूँ जिसकी सैलरी 10,000 से लेस है, तो मैं जो रिज़ल्ट डेवलप करूँगा, जो कंक्लूजन निकालूंगा, मेरा कुछ और आएगा. वही अगर मैं पावर्टी लाइन को इंक्रीज़ करके 15,000 पे ले जाऊँ तो मेरा रिज़ल्ट कुछ और आएगा. इसलिए ये ऑपरेशनल डेफिनेशंस मस्ट होती हैं ताकि रीडर को पहले से पता चल जाए कि हाउ डू आई डिफाइन माई पावर्टी लाइन. इसी तरह यंग, मैं किसको यंग कहता हूँ, अंडर 18 को यंग कहता हूँ या अंडर 20 को यंग कहता हूँ, तो मुझे ये नरेट डाउन करना है कि मुझे अपने डिफाइन करना है पहले से, और अपनी स्टडी के अंदर मेंशन करना है कि मेरे लिए यंग, जब मैं कहता हूँ यंग पर्सन की बात करता हूँ तो उसका से मुराद ये है कि पीपल मेल और फीमेल अंडर 20 इयर्स ऑफ एज. फिर हमने बात की फ्रेमिंग हाइपोथेसिस. हमने ये भी देखा हाइपोथेसिस होता क्या है, किसको कहते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्यों डेवलप करते हैं. सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, एनी आइडिया और एनी हंच, एनी गट फीलिंग. मेरा एक प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, मेरा ये हाइपोथेसिस है. मुझे लगता है कि इसका ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, ये भी सोल्यूशन हो सकता है. तीन मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये तीन मेरे हाइपोथेसिस हैं. अब मैं उसको डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस के थ्रू उसे वेरीफाई करूंगा. जो सोल्यूशन मेरा प्रूवन करेक्ट हो जाएगा वो मेरा हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा, जो मेरा बाकी जो नहीं प्रूव होंगे वो मेरे नल हो जाएंगे. फिर हमने देखा
हाइपोथेसिस डेवलप करते हुए किन कैरेक्टरिस्टिक्स का ख्याल रखना चाहिए. सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए. ये तो थी समरी लास्ट सेशन की. ये इन हम चीज़ों पे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यू लेक्चर. टुडे वी विल टॉक अबाउट रिसर्च डिज़ाइन. व्हाट इज़ द रिसर्च डिज़ाइन? हम रिसर्च डिज़ाइन क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, होता क्या है, वाई इज़ इट नेसेसरी टू डिज़ाइन योर रिसर्च. अगर आप अपनी रिसर्च डिज़ाइन ही नहीं करेंगे, हैपहैज़र्डली इवेंट्स को आप प्रोसेस करेंगे, तो आपके कभी भी रिजल्ट ठीक नहीं आएगा. हो सकता है आप रिसर्च कर ही ना पाएं. इसकी एक सिंपल एक छोटी सी एग्जांपल ये लेते हैं. हम एक बिल्डिंग या एक हमने घर बनाना, घर बनाने से पहले हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि हम घर बनाना चाहते हैं, ऐसा घर बनाना चाहते हैं, उसमें इतने कमरे हों, इतने उसके अंदर बाथरूम्स हों, इतने उसके अंदर लॉन्स हों, इस साइज़ का हो और इस तरह का डिज़ाइन हो. तो वो आपको एक उसका ब्लू प्रिंट या एक डिज़ाइन बना देता है कि जी ये डिज़ाइन है, इस पे बेस करके आप ऐसा घर बना लें. आपको डिज़ाइन अगर पसंद आता है, आप उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और वो फिर आप अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को या ठेकेदार को या जिसको भी आप आगे देते हैं कि भाई ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन पे मुझे ये घर, इस डिज़ाइन, ये डिज़ाइन वाला घर चाहिए. मटेरियल मैं प्रोवाइड करूँगा, आपको पेमेंट मैं करूँगा, आपकी सैलरी मैं दूँगा, आप मुझे घर बना दें. अगर मैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को या उस ठेकेदार को मैं कोई डिज़ाइन ही नहीं देता, उसे कहता हूँ कि भाई मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, उसमें इतने कमरे हो, वो अपनी मर्ज़ी से बनाएगा, फिर जो मर्ज़ी बनाए. हो सकता है मुझे पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, हो सकता है उस बिल्डिंग का फ्रंट फेस ही मुझे पसंद ना आए, हो सकता है उसमें कमरे उसने छोटे बना दें, मुझे बड़े कमरे चाहिए थे. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन योर रिसर्च इन द वेरी बिगनिंग. आप जब अपनी रिसर्च डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आप सारे फैक्टर्स को देखेंगे कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या हैं, मैं क्या बना सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरे पास टाइम कितना है, मैं और इसको बनाने के लिए एक्सपर्टीज़ क्या रिक्वायर्ड है, मुझे किन किन लोगों को एम्प्लॉय करना है, किस कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर बनवाना है. इन सारी बातों का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप घर नहीं बना सकेंगे. सिमिलरली रिसर्च में भी ऐसा ही है. इट इज़ अ फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च प्रोजेक्ट. इट इज़ अ फ्रेमवर्क जिसके अराउंड आपकी स्टडी रिवॉल्व करती है. आपको एक ब्लूप्रिंट बताता है कि आपकी स्टडी है, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आपने ऐसे ऐसे काम करना है. It details the procedures necessary for obtaining the information needed to structure or solve research problems. इसमें आपको क्या बताता है? Procedures necessary, जो कि हमने बेसिकली रिसर्च किस लिए करनी है, एक इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करनी है, डेटा कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस करना और कंक्लूजन निकालना. अगर हमारा डिज़ाइन में हमें शुरू में पता ही नहीं कि हमने कौन सा डेटा निकालना, कौन सा डेटा चाहिए हमें, किस डेटा का हमने एनालिसिस करना है, किस तरह का कंक्लूजन हमें चाहिए, तो हम रिसर्च कैसे करेंगे. ऑल्दो अ ब्रॉड अप्रोच टू द प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड, द रिसर्च डिजाइन स्पेसिफाइज द डिटेल्स, द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग द अप्रोच. रिसर्च डिजाइन कौन सा स्टेप है रिसर्च का? हमने हाइपोथेसिस के बाद रिसर्च डिज़ाइन देखा. हाइपोथेसिस से पहले क्या था? रिसर्च प्रॉब्लम था. उससे पहले रिसर्च क्वेश्चनेयर था, रिसर्च क्वेश्चन था हमारा. और उससे और बिटवीन हाइपोथेसिस और रिसर्च प्रॉब्लम हमारे पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव था. हमने जब ऑब्जेक्टिव एक दफ़ा डिफाइन कर लिया तो हमें इस बात तो क्लियर हो गई कि हम क्या करना क्या चाहते हैं.
लेकिन डिजाइन में आप आके फिर क्या करते हैं, आप सारी नीटी ग्रिटीज को, अपने टाइम को, फाइनेंशियल रिसोर्सेस को, डेटा की क्यूरीज को, कि क्या आया डेटा अवेलेबल होगा, कहाँ से मिलेगा, किस प्राइस पे मिलेगा, क्वेश्चनेयर्स या सर्वे कराना है उसके लिए मेरे पास क्या टाइम फ्रेम है, उसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज क्या अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें लिस्ट डाउन करेंगे आप रिसर्च डिज़ाइन. रिसर्च डिज़ाइन लेज द फाउंडेशन फॉर कंडक्टिंग द प्रोजेक्ट. इट इज बेसिकली अ फाउंडेशन स्टोन. जब तक आप एक रिसर्च डिज़ाइन डेवलप नहीं कर लेते, आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते. ऑल दो कि आपके जहन में सारी बातें हैं कि मुझे करना क्या है, बनाना क्या है, कितने कमरे चाहिए, कैसे चाहिए, कैस किस तरह की उसमें फिनिशिंग कैसी होनी चाहिए, लेकिन जब तक आपने उसका आउटले नहीं बनाया कि कौन सा कमरा पहले बनेगा, कौन सा बाद में बनेगा, कितना उसके लिए कंक्रीट चाहिए, कितनी चीज, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए, तो आप उसको बना तो नहीं सकते. रिसर्च डिज़ाइन टिपिकली अ रिसर्च डिज़ाइन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टास्क. डिफाइन द इंफॉर्मेशन नीडेड. हमें कौन सी इंफॉर्मेशन या कौन सा डाटा क्या चाहिए क्या. डिज़ाइन द एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल फेजेस ऑफ रिसर्च. रिसर्च की डिफरेंट फेजेस हैं. एक्सप्लोरेटरी में आप पहले क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, आप देखते हैं आप करना क्या चाहते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं आप उसको कि आपने ये करना चाहते हैं और इस तरह करना चाहते हैं, और फिर आप कॉजल फेज में क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी करते हैं. अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा. स्पेसिफाई द मेजरमेंट एंड स्केलिंग प्रोसीजर्स. आप इसमें स्पेसिफाई करते हैं कि मैं कौन सा मेजरमेंट टूल यूज करूंगा, किस स्केल के ऊपर मैं अपने डेटा को इंटरप्रेट करूंगा. कंस्ट्रक्ट एंड प्री टेस्ट अ क्वेश्चनेयर फॉर डेटा कलेक्शन. आपने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया क्वेश्चनेयर, आप उसका पहले प्री टेस्ट करके देखते हैं कि आया वो क्वेश्चनेयर ठीक भी है, या उसमें बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं है, या सवाल ठीक हैं, या ये सवाल अप्रोप्रिएट हैं, जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ वो ये इन सवालों से मेरे पास कंपाइल होती है, पूरी होती है. उसके लिए हम पहले कुछ एक सैंपल में एक सैंपल लेके उस पर प्री टेस्ट कर लेते हैं, उसके रिजल्ट्स पे फिर हम बेस करके हम फिर फुल सर्वे डिफाइन करते हैं. स्पेसिफाई द सैम्पलिंग प्रोसेस एंड द सैम्पल साइज. कि हमने किस पॉपुलेशन को टारगेट करना है, सैम्पल साइज क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, हम कैसे सैम्पलिंग करेंगे उसकी. डेवलप अ प्लान ऑफ डाटा एनालिसिस. कौन सा एनालिसिस हम चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है. हमने लास्ट सेशन में भी ये बात की थी कि एनालिसिस क्यों ज़रूरी होता है. एनालिसिस इसलिए ज़रूरी होता है कि एनालिसिस हमें बताता है कि कंक्लूजन क्या है, आपकी स्टडी क्या कहती है. एनालिसिस करने के भी डिफरेंट तरीके हैं. एक टेबुलर फॉर्म में भी आप पोर्ट्रे करते हैं अपने रीडर को कि मेरे ये स्टेटिस्टिक्स हैं. एक आप उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं कि जी ये बॉक्सेस हैं, और वो आप टारगेट करके जिस तरह का रीडर है वैसा आप एनालिसिस करते हैं, या जैसा आपकी स्टडी है वैसा आप डाटा एनालिसिस करते हैं. सिमिलैरिटी होनी चाहिए दोनों में ताकि आपका रिजल्ट ठीक आए, वैलिड हो. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज एक्सप्लोरेटरी, द अदर वन इज कंक्लूसिव. नाउ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू प्रोवाइड इनसाइट इंटू एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग द रिसर्चर. मैंने जैसे अभी दो स्लाइड्स पहले भी बताया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है,
और ये किसके है, क्लासिफिकेशन है रिसर्च डिजाइन के, एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव दो टाइप्स हैं। और एक्सप्लोरेटरी कौन सी होती है, जिसमें हम देखते हैं मसला क्या है, हम उस प्रॉब्लम की, उस सब ऑब्जेक्टिव की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं ताकि हम फिर एक बेहतर रिसर्च कर सके। जब हमें प्रॉपरली प्रॉब्लम का भी, रिसर्च प्रॉब्लम का भी पता होगा, हमें थॉरोली रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी पता होगा, तो हम हमारे लिए वेरिएबल्स डिफाइन करना और एक एनालिसिस करना मुश्किल नहीं रह जाएगा और हमारी स्टडी क्लियर होगी, उसमें एम्बिग्विटीज ख़त्म हो जाएंगी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च। नाउ कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन, what is a conclusive research design? Conclusive research is more formal and structured. It is based on large representative samples and the data obtained are subject to quantitative analysis. Exploratory में हमने क्या किया था, हमने एक जर्नल आइडिया डेवलप किया था, हमने एक अपनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव की थी कि हम ये करना चाहते हैं और ऐसे करना चाहते हैं। कंक्लूसिव में हम क्या करते हैं, और एक्सप्लोरेटरी वॉज इनफॉर्मल, कंक्लूसिव वॉज फॉर्म, इट इज फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, वी डू इट स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या करते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिजल्ट फाइंड करते हैं। फर्दर कंक्लूसिव रिसर्च डिजाइन जो है उसकी भी फिर दो टाइप्स हैं आगे, वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, द अदर वन इज कॉजल रिसर्च। Two types of conclusive research design. One is descriptive, causal. The other one is causal. The findings from conclusive research design are used as inputs into managerial decision making. हमने research design की दो types की बात की अभी, exploratory और conclusive. एक्सप्लोरेटरी का जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास वेग आइडियाज हैं, हमारी जर्नल अंडरस्टैंडिंग है उस प्रॉब्लम के बारे में, उस ऑब्जेक्टिव और रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बारे में। कंक्लूसिव हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस के ऊपर एक कंक्लूजन देता है, उस कंक्लूजन की बेस पे एक मैनेजर डिसीजन ले सकता। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट अगेन बिटवीन द एक्सप्लोरेटरी एंड द कंक्लूसिव वन। ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लोरेटरी का, टू प्रोवाइड इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। कंक्लूसिव क्या करता है, टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस एंड एग्जामिन रिलेशनशिप्स। कंक्लूसिव फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा कलेक्शन, उसको डाटा कलेक्ट करके, डाटा एनालिसिस करके, टेस्ट करके कंक्लूजन निकालता। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक्सप्लोरेटरी के, इंफॉर्मेशन नीडेड इज डिफाइंड ओनली लूजली। सिर्फ हमारे जनरल आइडिया, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए हम एक्सप्लोरेटरी करते हैं। रिसर्च प्रोसेस इज फ्लेक्सिबल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, कोई हम प्रॉपर अप्रोच, कोई थीम फॉलो नहीं करते, कोई स्टेप बाय स्टेप मॉडल फॉलो नहीं करते, इट इज रैंडम। सैंपल इज स्मॉल, analysis of primary data is qualitative, it is mostly qualitative data. Information needed is clearly defined. Conclusive में क्या है characteristic, उसका पहला है clearly defined information होती है, हमें क्या चाहिए। Research process is formal and structured. Sample is large. Data analysis is क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी में क्या था क्वालिटेटिव था, कंक्लूसिव में इट इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा का हम एनालिसिस इन जर्नल टर्म्स कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक उससे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हम। डिस्क्रिप्टिव बेसिकली क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है, और क्वांटिटेटिव क्या होती है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एनालिसिस करते हैं। और जो फाइंडिंग्स हैं
रिजल्ट है एक्सप्लोरेटरी का, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का, वो क्या होता है? टेंटेटिव है, क्योंकि वो प्रूव नहीं हो सकता, कभी भी चेंज हो सकता है. लेकिन कंक्लूसिव का क्या होता है? फाइनल होता है, कंक्लूड करता है, हमें कंक्लूजन देता है, जिसकी बेस पे हम कोई एक मैनेजर कोई डिसीजन ले सकता है. आउटकम जनरली फॉलोड बाय फर्दर एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च. एक हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, उसके आउटकम क्या है? उसकी आउटकम ये कि हम एक और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च उस पर बेस करके हम स्टार्ट कर देंगे, एक और एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन हम डेवलप कर लेंगे, या एक और डेवलप हो जाएगा, या हम एक कंक्लूसिव रिसर्च उसके ऊपर डेवलप कर लेंगे. ऑन द अदर हैंड कंक्लूसिव का आउट कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन विच इज पार्ट ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, उसका आउटकम क्या है? फाइंडिंग्स यूज्ड एज इनपुट इनटू डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो हमारे पास जो रिजल्ट आता है, कंक्लूजन आता है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, तो उसे हम डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकते हैं. उसका आउटकम ये. नाउ हमने बात की थी अभी एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव की, अब हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव और कॉजल. ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेटरी का वही ऑब्जेक्टिव है, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट्स. डिस्क्रिप्टिव का क्या है? डिस्क्राइब मार्केट करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस, मार्केट की सिचुएशन रिपोर्ट करता है डिस्क्रिप्टिव, इवेंट्स सिचुएशंस. कॉजल क्या है? डिटरमिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अगर हम एक मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा? मार्केटिंग की रिसर्च. प्राइस कम कर देंगे, सेल बढ़ जाएगी. प्राइस कम कर देना एक वेरिएबल है, ये कॉज वेरिएबल है, प्राइस कम कर दी. दूसरा वेरिएबल क्या है? सेल बढ़ गई, और ये इफेक्ट रिलेशनशिप है. इसी तरह कॉज रिलेशनशिप जो होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, इफेक्ट जो होता है हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एक्सप्लोरेटरी के? फ्लेक्सिबल है, वर्सटाइल है, बहुत सारी थ्योरीज पे बेस करके हम, क्योंकि कोई फाइनल रिजल्ट तो होता नहीं एक्सप्लोरेटरी का, या तो हम उसके ऊपर बेस करके एक और एक्सप्लोरेटरी कर लेते हैं, आउटकम ये होती है, या हम एक और कॉजल स्टार्ट कर देते हैं, कंक्लूसिव स्टार्ट कर लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव का क्या है? करेक्टरिस्टिक्स मार्क्ड बाय प्रायर फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस. डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं कि हम ऑलरेडी एक हमने आइडिया, एक हंच हमने डेवलप किया हुआ होता, उसी पे बेस करके हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं. मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. कॉजल में क्या होता है, क्योंकि हमने रिलेशनशिप दोनों के डिफाइन करने थे, तो हम एक रिलेशनशिप को मैनिपुलेट करके दूसरे का हम रिजल्ट चेंज कर सकते हैं. ऑफन द फ्रंट एंड ऑफ टोटल रिसर्च डिज़ाइन. एक्सप्लोरेटरी हमेशा फ्रंट एंड या हमेशा पहले की जाती है. प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन होता है उसका, डिस्क्रिप्टिव का. और कॉजल में क्या होता है? मेजर द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स. कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज इज इंडिपेंडेंट, हमेशा हम एक कॉज को लेके उसके से जितने इफेक्ट्स हो रहे हैं वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स, उन इफेक्ट्स को हम मेजर करते हैं. मैथड, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के क्या मैथड्स हैं? एक्सपर्ट सर्वेज है, हम एक्सपर्ट्स को बुला के उस सब्जेक्ट एरिया में उनसे बैठ के हम इंटरव्यू कर लेते हैं. पायलट सर्वेज, हम क्वेश्चनर दे के उस एक सैम्पल लेके उसके अंदर हम उनसे इंटरव्यूज कर लेते हैं. थ्रू मेल्स कर लेते हैं, मेलिंग एड्रेस पे हम भेज देते हैं, वो फिल करके वापस भेज देते हैं. केस स्टडीज को देख लेते हैं, हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस पे बेस्ड होती है? सेकेंडरी डेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस, सर्वेस, पैनल्स, ऑब्जर्वेशन एंड अदर डेटा. कॉजल क्या होते हैं? कॉजल हमेशा उसका मेथड एक्सपेरिमेंटल होता,
हम हमेशा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे, वेदर इट इज अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट और अ मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट. लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में भी हम एक फैक्टर को देख के, एक कॉज को देख के हम उसका इफेक्ट फाइंड कर रहे होते हैं. मार्केटिंग के अंदर भी हम एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं तो दूसरा वेरिएबल चेंज होता है उससे. जब दूसरा चेंज होता है तो हम उसको दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स उनको मेजर करते हैं और उसका इफेक्ट हम देखते हैं. नाउ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हमने ये सारी ऑलरेडी एक दफ़ा गो थ्रू कर ली है. व्हाट इज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? लेकिन वी विल अगेन गो इनटू द स्पेसिफिक डेफिनेशंस. हम एक्सप्लोरेटरी को डिफाइन कैसे करते हैं? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू एक्सप्लोर और सर्च थ्रू अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन टू प्रोवाइड इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग. अभी हमने यही बात डिस्कस की कि हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करते हैं, जब एक प्रॉब्लम है उसके ऊपर हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए जब हम एक रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो वो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं. एंड इट कैन बी यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज, एप्लीकेशंस. फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम और डिफाइन अ प्रॉब्लम मोर प्रिसाइसली. एक प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई हमने किया हुआ है, उसे डिफाइन भी किया हुआ है, लेकिन उसमें एम्बिगिटी है या इट इज़ नॉट क्लियर, तो हम फर्दर वी डिज़ाइन एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ताकि हम उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, क्लियर कर सकें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग उसमें इम्प्रूव कर सकें. आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन. एक प्रॉब्लम है उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया लेकिन इट इज़ नॉट अ डूएबल प्रोजेक्ट, तो हम उसका ऑल्टरनेट देखते हैं कि उसी से रिलेटेड हम और क्या ऑप्शंस हैं और किन प्रॉब्लम्स पे हम काम कर सकते हैं. डेवलप हाइपोथेसिस, हमारे पास एक प्रॉब्लम है उसी के बेस पे हम एक डिस्क्रिप्शन डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस की. आइसोलेट की वेरिएबल्स एंड रिलेशनशिप्स फॉर फर्दर एग्जामिनेशन. गेन इनसाइट्स फॉर डेवलपिंग एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम, ये भी अभी हमने बात की. establish priorities for future research or further research. When we say further research, अभी हमने बात की exploratory research का outcome क्या होता. exploratory research का outcome भी exploratory research होता. एक research हमने की, उस पर बेस करके हमने दोबारा उसको research किया, या उसका हम conclusive research करते हैं. तो बेसिकली बेसिस जो होती है वो एक्सप्लोरेटरी ही होती है. और ये हमारी, हमने एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, उससे हमारे पास अल्टरनेटिव्स हमारे पास डिफाइन हो जाएंगे. उन अल्टरनेटिव्स को प्रायोरिटाइज करके हम नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किसी एक चीज पे कर सकते हैं, उसको नैरो डाउन कर सकते हैं उस सब्जेक्ट एरिया को, या हम उसको कॉजल कर सकते हैं या कंक्लूसिव. It can greatly benefit from the use of the following methods: expert surveys, pilot surveys, case studies, secondary data analyzed in a qualitative way, qualitative research. अब हम एक example discuss करते हैं exploratory research की. Departmental store. A review of academic and trade literature to identify the relevant store characteristics, demographics, psychographic factors that influence consumers. Exploratory research क्या है? एक departmental store है, हमने उसको study करना है, वहाँ कोई problem identify करनी है. उससे पहले हम क्या करेंगे, हम और उस area में जो departmental stores हैं उनके ऊपर जो literature हमारे पास है, अवेलेबल है, उसको हम स्टडी करेंगे. या और दुनिया में जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं ऑफ सिमिलर नेचर, उनको हम स्टडी करेंगे. इंटरव्यूज विद रिटेलिंग एक्सपर्ट्स टू डिटरमिन ट्रेंड्स. रिटेलिंग एक्सपर्ट्स से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है. अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ 5 बेस्ट एंड 5 वर्स्ट स्टोर्स ऑफ द सेम चेन. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये भी हो सकती है कि हम एक जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स की एक चेन है
जैसे पाकिस्तान में है मेट्रो कैश एंड कैरी स्टोर्स, दे आर ह्यूज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी एक स्टोर है, लाहौर में है, कराची में है, फैसलाबाद में है. अब हम इन स्टोर्स का आपस में कंपैरिजन कर लेते हैं कि किसकी सेल ज़्यादा है, किसका आउटले अच्छा है. ये एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी और इट विल आल्सो बी कॉल्ड एज एन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. नाउ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब समथिंग, यूजुअली मार्केट करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस. मार्केट फिनोमिनन की जब हम बात करते हैं, इट इज कंडक्टेड फॉर टू रीजंस. हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्यों करते हैं, दो वजूहात पे. वन, टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेलिवेंट ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर, सेल पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और मार्केट एरियाज. जब हमने कंज्यूमर्स की बात की तो कंज्यूमर्स के रेलिवेंट ग्रुप्स क्या होंगे, ऐसे कंज्यूमर्स जो कि मेल कंज्यूमर्स का एक ग्रुप हम बना लेते हैं, फीमेल का, या एज ग्रुप के हिसाब से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, या हम कर लेते हैं कि जो जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, जो बहुत कम शॉपिंग करते हैं, जो रोज़ मार्केट आते हैं, जो हफ्ते में एक दफ़ा मार्केट आते हैं. ये सारे क्या हैं जो मैंने एक्सप्लेन की, करेक्टरिस्टिक्स हैं कंज्यूमर के, मेल फीमेल, हैवी शॉपर, लो शॉपर, डेली मार्केट आने वाला, वीकली मार्केट आने वाला, एज ग्रुप. ये सारे इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या डिफाइन करती है, इट डिस्क्राइब समथिंग यूजुअली मार्केट करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस. और फर्दर उसमें क्या है, उसकी दो रीजंस हैं, या तो ये रेलिवेंट ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करती है, या नेक्स्ट क्या है रीजन, टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ यूनिट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एग्जिबिटिंग अ सर्टेन बिहेवियर. कुछ कंज्यूमर सर्टेन बिहेवियर क्या होगा, कंज्यूमर्स डेली मार्केट आते हैं, डेली सौदा खरीदते हैं, डेली मार्केट से शॉपिंग करते हैं, इट इज़ अ बिहेवियर. कुछ कंज्यूमर्स हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा आते हैं, महीने में एक दफ़ा आते हैं. टू डिटर्मिन द परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि एक प्रोडक्ट है, सपोज एक मोबाइल फ़ोन है, उसकी कुछ खसूसियात हैं, खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स हैं. मोबाइल फ़ोन में दो सिम एट अ टाइम काम करती हैं, ड्यूल सिम है, उसकी रिंग टोन बहुत अच्छी है, कीपैड बहुत अच्छा है. अब परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, अब ये प्रोडक्ट में, ये मोबाइल फ़ोन में ये खसूसियात तो हैं, लेकिन लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, इसको जानने के लिए अगर हम एक स्टडी करेंगे तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी. लोगों की परसेप्शन, लोगों का ख्याल पूछना है हमने. इसी तरह हम लोगों का ख्याल और बातों में भी पूछ सकते हैं. हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी एनर्जी रिफॉर्म्स के ऊपर, अगर हम लोगों से पूछें तो एनर्जी रिफॉर्म्स पे हम लोगों का ख्याल यही पूछ सकते हैं कि आपका लाइट के बारे में क्या ख्याल है, लाइट कितनी लोड शेडिंग होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, लोड शेडिंग कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, कोयले से एनर्जी बन सकती है, या आप घर में कोयला इस्तेमाल करते हैं, या खाने पकाने के लिए आप लकड़ी जलाते हैं, या गैस अवेलेबल है. सो दीज आर ऑल आर परसेप्शंस एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, टू डिटरमिन द परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स, टू डिटरमिन द डिग्री टू विच मार्केटिंग वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, टू मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस. क्या है डिग्री टू विच मार्केटिंग वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड. एक प्रोडक्ट है, उसकी सेल पे मार्केटिंग के कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं. आप उसकी एक कंपनी है यूनिलीवर, वो अपने प्रोडक्ट्स की सेल के लिए बहुत मार्केटिंग कैंपेन्स चलाती है, टीवी पे एड देती है, लोगों को फ्लायर्स देती है, प्रमोशन स्कीम्स चलती हैं,
ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं. और हम क्या बात करें, टू डिटरमिन द डिग्री टू विच एक कंज्यूमर को कितना अफेक्ट करते हैं ये सारे फैक्टर्स. टू मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शंस, हम किसी चीज के बारे में फ्यूचर देखना चाहते हैं, उसकी कितनी सेल होगी. एक प्रोडक्ट है हम मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, हम उससे पहले एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे ऑन कौन कौन से प्रोडक्ट्स वैसे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्या सेल है, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. सिमिलर अगर हमारा प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के साथ सिमिलर है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर वो इतना बिकता है तो हम भी अगर इस मार्केटिंग कंपेन के साथ मार्केट के अंदर एंटर करें, पेनिट्रेट करें, तो हम भी हो सकता है कि 30% मार्केट शेयर ग्रैब कर लें, हमारी भी इतनी सेल हो जाएगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, मार्केट स्टडीज विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ द मार्केट, बाइंग पावर ऑफ कंज्यूमर, अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर प्रोफाइल्स. ये सारी क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं, रिसर्च स्टडीज. मार्केट शेयर स्टडीज विच डिटर्मिन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल सेल्स रिसीव बाय अ कंपनी एंड इट्स कंपेटिटर्स. ये क्या है, ये भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी. सेल्स एनालिसिस स्टडीज विच डिस्क्राइब सेल्स बाय ज्योग्राफिकल रीजन, प्रोडक्ट लाइन, टाइप एंड साइज ऑफ द अकाउंट. ये सब भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं. इमेज स्टडीज विच डिटर्मिन कंज्यूमर्स परसेप्शन ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट. जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में बात की, लोगों की क्या परसेप्शन है उस प्रोडक्ट के बारे में या उस कंपनी के बारे में, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी. प्रोडक्ट यूजेज स्टडीज विच डिस्क्राइब कंजम्पशन पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज विच डिटर्मिन ट्रैफिक फ्लो पैटर्न्स एंड द नंबर एंड लोकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल डिस्क्रिप्टिव स्टडीज. जब हम कंजम्पशन पैटर्न्स की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब, कंजम्पशन पैटर्न का मतलब है कि हमने एज ग्रुप्स या हमने कंज्यूमर ग्रुप्स जब डिफाइन किए तो हमने ग्रुप ए में कहा कि अंडर 18 ग्रुप जो लोगों का ग्रुप है वो ग्रुप ए है, अंडर 25 ग्रुप बी है, अंडर 35 ग्रुप सी है. अब हम तीनों देखेंगे, ये तीनों फास्ट फूड या बर्गर कौन कौन सा ग्रुप ज़्यादा खाता है, वो उसका एक कंजम्पशन पैटर्न बन जाएगा कि ग्रुप ए सबसे ज़्यादा फास्ट फूड आउट रेस्टोरेंट्स पे आपको मिलेंगे या वो सबसे ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, ग्रुप बी उससे कम खाता है, ग्रुप सी उससे कम खाता है. प्राइसिंग स्टडीज विच डिस्क्राइब द रेंज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्राइस चेंजेस एंड प्रोबेबल कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज टू प्रपोज्ड प्राइस चेंजेस. एक तो प्राइस चेंजेस और फिर उसके बाद कंज्यूमर्स रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंज. प्राइस चेंज हुई, क्या वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, कम कंज्यूम करेगा. एडवर्टाइजिंग स्टडीज विच डिस्क्राइब मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स एंड ऑडियंस प्रोफाइल्स फॉर स्पेसिफिक टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड मैगजीन्स. एडवर्टाइजिंग स्टडीज विच डिस्क्राइब मीडिया कंजम्पशन हैबिट्स एंड ऑडियंस प्रोफाइल्स फॉर स्पेसिफिक टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड मैगजीन्स. एडवर्टाइजिंग की वो स्टडीज जिसके अंदर हम मीडिया के बारे में हम देखते हैं कि कौन सा टीवी चैनल किस को सपोर्ट करता है, कौन सा टीवी चैनल पे कौन से कंपनी के ज़्यादा एड्स चलते हैं, कौन से टीवी प्रोग्राम की क्या रेटिंग है, ये सारी भी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज हैं. A vast majority of marketing research studies involve descriptive research which incorporates the following. हमने पहले भी बात की, descriptive studies के अंदर usually हम secondary data analysis करते हैं, surveys कराते हैं, panels होते हैं, observation and other data होता है. Panels क्या होते हैं, panels होते हैं कि हम एक group of people का एक ग्रुप डिफाइन ऐसा कर देते हैं, उसे हम पैनल बना देते हैं कि ये 10 लोग हैं, इन 10 लोगों से हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें आपके आपसे आपके मंथली कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर आपसे हमने सर्वे करना है, इंटरव्यू करना है.
हम आपको और हम यूजुअली जो जितने पैनल्स होते हैं उसको हम पे भी करते होते हैं, आप उन 10 लोगों को हर महीने पे भी करेंगे, लेकिन वो 10 लोग क्या करेंगे, हर महीने जो चीज़ खरीदेंगे उसकी रसीद आपको देंगे, जो एक पैसे खर्चेंगे अपना इनकम, अगर हम उनका देख रहे हैं इनकम कंजम्पशन पैटर्न देख रहे हैं, तो अपनी इनकम जहाँ जहाँ खर्च करेंगे वो डायरी में नोट करते जाएंगे, वो स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोवाइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड अ पैनल। क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस, इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस। दिस डिजाइन इज ऑल्सो कॉल्ड सैंपल सर्वे रिसर्च डिजाइन। वॉट इज इट? इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस। एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है, एक एरिया है, एक एरिया हमने डिफाइन कर दिया, इस एरिया में हमने अपना सर्वे कंडक्ट करना है। उस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे 2000 घर हैं, 2000 की वहाँ 2000 घरों की पॉपुलेशन है। अब हम उसमें से सैंपल क्या लेते हैं, हमने 200 घर आइडेंटिफाई करते हैं कि हम इन 200 घरों से सर्वे करेंगे, और हम अगर गिवन सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स ओनली वंस, अगर हम एक दफ़ा उसको हम उस सैंपल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन। अगर हम उसको मल्टी टाइम्स यूज़ करते हैं तो इट विल बी अ मल्टी सेक्शनल डिज़ाइन। सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन इन विच वन सैंपल ऑफ रिस्पॉन्डेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टारगेट पॉपुलेशन एंड द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सैंपल वंस। अभी हमने बात की 2000 घर हैं, 2000 घरों का हमने सर्वे करना है, 200 घरों का हमने एक सैंपल सेलेक्ट कर लिया और उसको हमने एक दफ़ा उनसे सर्वे कर लिया। अब उसे कहेंगे सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन, हमने एक दफ़ा उनसे सर्वे कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा हमने आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा उन सर्वे करना उसी एरिया का, अगर हम उस एरिया से उनको दोबारा से उसी सैंपल को ले लेंगे तो वो मल्टी क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा। इन विच देर आर टू और मोर सैंपल्स ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ईच सैंपल इज ऑब्टेन्ड ओनली वंस। दोनों में फ़र्क ये है, सिंगल क्रॉस सेक्शनल और मल्टी क्रॉस सेक्शनल में, कि सिंगल क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन में हमने 2000 घरों में से 200 का सैंपल लिया, उनसे हमने इंटरव्यू कर लिया, ये सिंगल क्रॉस सेक्शनल था। अब हम जब दूसरी दफ़ा उन 2000 घरों में से सैंपल लेंगे तो हम वो 200 घर छोड़ के उसके अलावा हम 200 घर और सिलेक्ट कर लेंगे, हम उन उन लोगों उन जिन 200 का पहले इंटरव्यू हो चुका उनको दोबारा इंटरव्यू नहीं करेंगे, हम उसके अलावा 200 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर जब हम दोबारा से एक सर्वे करेंगे तो फिर हम 200 लोग और 200 का सैंपल सेलेक्ट करेंगे, जिनका पहले इंटरव्यू हो चुका है उनको दोबारा सेलेक्ट नहीं करेंगे। कोहोर्ट एनालिसिस, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सर्वेज कंडक्टेड एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स where the cohort serves as the basic unit of analysis. A cohort is a group of respondents who experience the same event within the same time interval. Cohort analysis क्या होता है? Very simple. Cohort क्या होता है? Cohort हम एक ऐसे group को कहते हैं, हमने interviews करने थे किसी ऐसे group से करने हैं जो कि एक ही टाइम फ्रेम के अंदर पैदा हुए हों, सपोज 1950 से 55 में जो लोग पैदा हुए हैं इनका जो एक ग्रुप होगा उसे हम कोहोर्ट ग्रुप कहेंगे। या हम अगर सिचुएशनल देखें तो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग में क्रैक आ गया, या सपोज बिल्डिंग गिर गई, इट केम डाउन, उस वक्त जो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे एट दैट टाइम इंटरवल वो एक ग्रुप बन गया।
जितने सर्वाइवर्स थे उसके अंदर, हमने उन सर्वाइवर्स का एक कोहोर्ट ग्रुप बना दिया, बिकॉज वो देवर ऑल प्रेजेंट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सर्वेज कंडक्टेड एट अप्रोप्रिएट टाइम इंटरवल्स वेयर द कोहोर्ट सर्व्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस. ग्रुप वही रहेगा, हम उसको मल्टीपल टाइम्स उससे हम इंटरव्यू कर सकते हैं उन्हीं लोगों से. अ कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स हु एक्सपीरियंस द सेम इवेंट विद इन द सेम टाइम इंटरवल. एग्जाम्पल, अ बर्थ और एज कोहोर्ट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर बॉर्न ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल. जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, 1950 से 1955 के दरमियान जितने लोग पैदा हुए उनका अगर हम एक ग्रुप बना लें तो वो एक कोहोर्ट ग्रुप होगा. कोहोर्ट एनालिसिस इज ऑल्सो यूज टू प्रिडिक्ट चेंजेस इन द वोटर्स ओपिनियन ड्यूरिंग अ पोलिटिकल कंपेन. इसका क्या मतलब? वेरी इंपॉर्टेंट. अभी रिसेंटली पाकिस्तान में जब इलेक्शंस हुए उससे पहले बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कोहोर्ट एनालिसिस कंडक्ट किए. जियो टीवी ने कोहोर्ट एनालिसिस कंडक्ट किया था और उसको इलेक्शन पोल्स के नाम से, जियो टीवी का जो प्रोग्राम था उसे इलेक्शन पोल्स के नाम से वो डिस्क्राइब करते रहे. उसमें इन्होंने क्या किया, इलेक्शन से पहले कुछ लोग उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, सेम ग्रुप बना दिया, जो कि ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन उनसे वो मल्टीपल टाइम्स वो पूछते रहे, इंटरव्यू करते रहे, और जस्ट बिफोर इलेक्शन वो और वो लोग वो थे जो कि इलेक्शन कंपेन्स में शामिल होते रहे. अब जस्ट बिफोर इलेक्शंस उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी पहले अपने वोटिंग कैंडिडेट्स के बारे में ये राय थी, अब आफ्टर द कंपेन जब उन्होंने आपने अपने वोटर्स अपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको सुना, उनकी राय जानी, तो अब आपकी उनके बारे में क्या राय है? मल्टीपल पॉइंट्स. एक दफा उन्होंने उनकी राय उस वक्त जानी इलेक्शन से पहले जब वो कंपेन नहीं थी, कंपेन स्टार्ट हुई, उनकी कैंडिडेट्स की कंपेन हुई, लोगों को उन्होंने कायल करने की कोशिश की अपनी तरफ, हर कैंडिडेट ने. इवेंचुअली कुछ ने वोटर्स ने डिसीजन किसी कैंडिडेट के बारे में लिया, कुछ ने किसी के बारे में लिया, और जस्ट बिफोर इलेक्शंस अब उनसे दोबारा हमने पूछा कि अब आपकी क्या राय है, आप किसको सपोर्ट करते हैं. दिस इज अ कोहोर्ट एनालिसिस बिकॉज ड्यूरिंग द कंपेन टाइम ऑल दैट ग्रुप वॉज प्रेजेंट इन द कंपेनिंग. Longitudinal design, a type of research design involving a fixed sample of population elements that is measured repeatedly. Research design के ये सारे elements हम पिछले sessions में go through कर चुके हैं, लेकिन वो हमने सिर्फ definitions और quick reviews देखे थे. अब हम उसको in detail देख रहे हैं कि वो longitudinal design होता क्या है. हमने पहले भी बात की थी इसके ऊपर कि जो लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन वो होता है जो कि एक रिपीटेडली, देयर वाज वन थिंग, वन टाइम रिसर्च थी जो कि एक दफ़ा रिसर्च कंडक्ट की ख़त्म होगी. लॉन्गिट्यूडनल होती बार बार जो रिपीटेडली मल्टीपल टाइम्स और फिक्स टाइम्स के ऊपर जो रिसर्च कंडक्ट होती रही वो लॉन्गिट्यूडनल होती. द सैम्पल रिमेन्स द सेम ओवर टाइम, सैम्पल वही रहता है. Thus providing a series of picture that when viewed together portray a vivid illustration of the situation and the changes that are taking place over the time. जैसे अभी हमने बात की election campaign की, इसमें भी longitudinal design था. Cohort analysis with longitudinal design. Election से पहले लोगों की perception क्या थी, election के बीच में हम पूछते रहे उनकी क्या क्या perception कैसे change हो रही है. इलेक्शन से बिल्कुल पहले हमने पूछा कि अब क्या परसेप्शन है, कंपेन से पहले क्या परसेप्शन थी, बीच में भी पूछते रहे अब क्या परसेप्शन है, इलेक्शन से पहले अब आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं.
Sometimes the term panel or true panel is used instead of longitudinal design. अभी मैंने आपको explain किया panels क्या होते हैं. A panel consists of a sample of respondents, generally households, that have agreed to provide information at specified intervals over an extended period. Panels क्या होते हैं? Sample of respondents, a group of respondents, हमने जिनको sample identify किया हुआ है. Generally households, घरों में जो रहने वाले लोग हैं, that have agreed to provide information, उनके साथ हम agreement कर लेते हैं कि आप हमें information provide करेंगे at specified intervals, कि आप हर 10 दिन के बाद, हर 5 दिन के बाद, over an extended period of time, for 6 months हम उनसे कर लेते हैं कि जब 6 महीने हमें ये information provide करेंगे. Data obtained from panels not only provide information on market shares but are based on an extended period of time but also allow the researcher to examine changes in market share over time. इससे क्या होता है? Based on an extended period of time but allow the researcher to examine changes in the market share over time. जैसे जैसे हमें पता चलता रहता है कि ये consumers हैं, ये consumer पहले प्रेफरेंस उसकी ये थी, पहले ये सोप ए बाय करता था, अब ये सोप बी बाय करना शुरू हो गया. तो दिस इज हाउ इसका मार्केट शेयर भी या इंक्रीज कर रहा है कंपनी ए का, ये कंपनी बी का इंक्रीज कर रहा है, ये कंपनी ए का डिक्रीज कर रहा है, कंपनी बी का इंक्रीज कर रहा है. नाउ वी सी रिलेटिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल डिजाइंस. क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में क्या होता है? डिटेक्टिंग चेंज, इसमें चेंज डिटेक्ट नहीं हो सकती. लॉन्गिट्यूडनल में चेंज डिटेक्ट होती है, अभी हमने बात की, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम्स हम उसको देखते हैं, चेंज का हमें पता चलता है. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्पेसिफाइड टाइम पे आपने एक दफा सर्वे किया और हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया. लॉन्गिट्यूडनल में तो हम बार बार डेटा कलेक्ट करते रहते हैं. एक्यूरेसी, एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि हो सकता है हमारा सैंपल ठीक ना हो, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब हम सैम्पलिंग करेंगे तो उसमें हमारा रिजल्ट ज़्यादा वैलिड हो जाता है. रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग, इसमें रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग की एडवांटेज है क्रॉस सेक्शनल में, कि एक एरिया का हमने रिप्रेजेंटेटिव वही सैम्पल लिया, उसी से हमने बात की. लॉन्गिट्यूडनल में क्योंकि बार बार करना होता तो हो सकता है कि हमें वो दोबारा सैम्पल वही अवेलेबल ना हो नेक्स्ट टाइम. बायस, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन का एक सबसे बड़ा जो है वो एडवांटेज ये है कि उसमें रिस्पांस बायस ज़्यादा होती है. रिस्पांस बायस क्यों होती है? रिस्पांस बायस इसको किसे कहते हैं? रिस्पांस बायस कहते हैं कि मैं एक रिस्पॉन्डेंट हूँ, आप इंटरव्यूअर, आपने मेरे से सवाल पूछे, आपने मेरे से मेरी इनकम के बारे में पूछा. हो सकता है मेरी इनकम 10,000 हो हर महीने, लेकिन मैं आपको क्या 10,000 ही बताऊंगा, मैं कहूंगा नहीं 25,000 है, क्योंकि मैं आपको अपनी असल कंडीशन नहीं बताना चाहता. मैं आई डोंट वांट टू फील एम्बेरेस्ड कि जी मेरी सिर्फ 10,000 तनख्वाह है. सो आई वॉन्ट टू मेक एन इम्प्रेशन, उसके लिए मैं कहता हूँ जी मेरी तो 25,000 तनख्वाह है. रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड. पैनल का एडवांटेज क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी कलेक्टेड, क्योंकि आप इन डिफरेंट इंटरवल्स पर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं सेम डाटा. पैनल मेंबर्स आर यूजुअली कंपनसेटेड सो दे आर विलिंग फॉर लेंथी एंड डिमांडिंग इंटरव्यूज. जो पैनल ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनको आप यूजुअली पे कर रहे होते हैं, या इन काइंड उनसे कर रहे होते हैं, या आप कोई गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, या और कोई इंसेंटिव आपने दिया होता है. अदरवाइज एक रिस्पॉन्डेंट उसको रिटेन कैसे आप करेंगे? वो तो एक इंटरव्यू के बाद, और इंटरव्यूज जो होते हैं वो लेंथी होते हैं और डिमांडिंग होते हैं. आप बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि वो उनके जवाब बाद नहीं देना चाहता. एक इंटरव्यू के बाद तो रिस्पॉन्डेंट भाग जाएगा, अगली दफ़ा तो कभी बात ही नहीं करेगा आपसे. आप अगर उसको कंपनसेट करें, उसे उसको आप पैसे दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, या कोई और गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसके पास इंसेंटिव है, आपसे बात भी करेगा, टाइम भी आपके पास वो स्पेंड करेगा आपके साथ, नेक्स्ट टाइम भी विलिंग होगा.
panel data is more accurate than cross-sectional data. A typical cross-sectional survey requires the respondent to recall past purchases and behavior. These data can be inaccurate because of memory lapses. Cross-sectional में क्या करते हैं, हम एक सर्वे करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने पिछले महीने में क्या क्या चीज़ें परचेज की थी, आपने फ्यूल कितने का परचेज किया था. वो कहेगा सपोज 10,000 का मैंने अपनी गाड़ी में 10,000 का फ्यूल कंज्यूम किया. हो सकता है कि उसने 10 का ही किया, हो सकता है उसने 6,000 का ही किया उसको, लेकिन उसके जहन में ये हो कि मैंने 10,000 का लास्ट मंथ में कंज्यूम किया. पैनल डेटा में क्या होता है, विच राय ऑन कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस इन अ डायरी प्लेस रेस लेस रिलायंस ऑन द रिस्पॉन्डेंट्स मेमोरी. पैनल डाटा में क्योंकि रिस्पॉन्डेंट ने सोच के जवाब नहीं देना, उसने या तो आपको अपने पूरे महीने की फ्यूल की रसीदें दे देनी कि हर आज मेरा इतना फ्यूल डाला, इतना फ्यूल डाला, इतना फ्यूल डाला, या वो डायरी में नोट करता जाएगा कि मेरे आज इतना फ्यूल डाला, इतना ये किया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना पे किया, उसके अलावा मेरे ये 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 खर्चे थे. तो वो डाटा ज़्यादा एक्यूरेट होगा. क्रॉस सेक्शनल का एक्यूरेट नहीं होता क्योंकि वो उसने सोच के अपनी मर्जी से जवाब देना. डिसएडवांटेजेस क्या है पैनल डाटा के, हम ये बात करें पैनल डाटा के. रिफ्यूजल टू कॉपरेट, हो सकता है रिस्पॉन्डेंट आपसे कॉपरेट ही ना करें. मैनी इंडिविजुअल हाउस होल्ड डू नॉट विश टू बी बॉदर्ड विद द पैनल ऑपरेशन एंड रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. लोग यही सोचते हैं कि यार बार बार इंटरव्यू में दूंगा और टाइम भी वेस्ट होगा और ये वो कहते हैं कि नहीं हम तो करना ही नहीं चाहते. कंज्यूमर पैनल्स रिक्वायरिंग मेंबर्स टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ परचेज हैव अ कॉपरेशन रेट ऑफ 60% ऑफ लेस. कि जो पैनल डाटा अपने पैनल ग्रुप आपने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है उसका भी जो रिस्पांस रेट होता है वो 60% होता है या उससे भी कम होता है. ऑल दो कि आप उसको पे भी कर रहे होते हैं, पेमेंट भी दे रहे हैं और भी इंसेंटिव्स दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनका कॉपरेशन लेवल इतना अच्छा नहीं होता. लाइकवाइज मोर्टेलिटी, पैनल मेंबर्स हु एग्री टू पार्टिसिपेट में सब्सिक्वेंटली ड्रॉप आउट बिकॉज दे मूव अवे और लूज इंटरेस्ट. और ऑल दो के रिस्पॉन्डेंट ने आपके साथ एग्री कर लिया कि मैं 6 मंथ्स तक आपके साथ एज अ पैनल इंटरव्यू आपके साथ काम करूंगा और मैं आपको अपने सारी डिटेल्स भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स उसको ऐसे लगता है कि यार इट इज़ वेरी बोरिंग और मैं किस चक्कर में फंस गया, और या मैं आई एम मूविंग समवेयर एल्स, में कहीं जा रहा हूँ, तो वो ड्रॉप आउट करता है. वो आपको वो कह देगा कि जी मैं फर्दर कंटिन्यू नहीं करना चाहता. लेकिन आपका तो 6 मंथ, आपने जो 2 मंथ्स उसके उसका डाटा आपने कलेक्ट किया वो तो लॉस हो गया. अब अगर आपका 4 मंथ्स का डाटा नहीं उसका मिलता तो वो आपके 2 मंथ्स का भी डाटा किसी काम का नहीं. पेमेंट, पेमेंट मे कॉज सर्टन टाइप ऑफ पीपल टू बी अट्रैक्टेड मेकिंग द ग्रुप अनरिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन. आपने एक सर्वे एक सर्टन एरिया में कराना था, कासिमाबाद सपोज एक एरिया, वहां पे आपने सर्वे कराना था, वहां से आपने पैनल मेंबर्स चूज करने थे, लेकिन वहां पे आपको पैनल मेंबर्स नहीं मिल रहे. उसके साथ एक सराउंडिंग एरिया है, वहां के लोग उस पैनल में इसलिए इंटरेस्टेड हैं पेमेंट की वजह से. वो आ तो जाएंगे लेकिन आपका सर्वे जो है आपका सैंपल है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं करेगा उस एरिया को. रिस्पॉन्स बायस, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, रिस्पॉन्स बायस क्या है. न्यू पैनल मेंबर्स आर ऑफन बायस्ड इन देयर इनिशियल रिस्पॉन्सेज, दे टेंड टू इंक्रीज द बिहेवियर बींग मेजर्ड. न्यू मेंबर्स पहली दफ़ा जब इंटरव्यू होता है तो वो आपसे हमेशा, आपको सैलरी अगर 10,000 है तो आपको बताएगा 25,000. सीजनल मेंबर्स में ऑल्सो गिव बायस्ड रिस्पॉन्सेज बिकॉज दे बिलीव दे आर एक्सपर्ट्स और वॉन्ट टू लुक गुड और गिव द राइट आंसर्स. और जो लोग आफ्टर 2-3 मंथ्स सीजनड हो जाते हैं, जिनको पता चल जाता है कि पैनल इंटरव्यूज कैसे होते हैं, वट इज़ द टेक्निक और ये वट इज़ दिस ऑल अबाउट, तो वो फिर क्या करते हैं, वो दे ट्राई टू ट्रिक यू. उन्हें पता होता है कि आपको किस तरह के आंसर्स चाहिए, वो उसी तरह के आपको आंसर्स देते हैं. उससे क्या होता है, हमारे ओरिजिनल डेटा की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती फिर. नाउ कॉजल रिसर्च,
It is used to obtain evidence of cause and effect relationships. हमने पहले भी बात की, dependent variable is effect, independent is cause. Cause की वजह से effect होता है. Marketing managers continually make decisions based on assumed causal relationships. रिलेशनशिप्स वो स्टडी करते रहते हैं, एक रिलेशनशिप की वजह से दूसरा जो है वेरिएबल के अंदर चेंज आती है, उस चेंज को वो मेजर करते रहते हैं, उस चेंज की बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं. एग्जांपल, अ डिक्रीज इन प्राइस विल लीड टू इंक्रीज सेल्स एंड मार्केटिंग शेयर. यहाँ प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में है, आपने उसकी प्राइस कम कर दी, प्राइस कम करेंगे कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे, कंज्यूमर्स ज़्यादा बाय करेंगे, जब ज़्यादा बाय करेंगे सेल बढ़ जाएगी, आपकी सेल बढ़ेगी, आपका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा. सो प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स एंड मार्केट शेयर, ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट पे. ठीक है, प्राइस कम हुई वो दोनों इंक्रीज कर गए, उससे क्या होगा, आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक डेवलप हो गया इन दोनों का. इज अप्रोप्रिएट फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस. व्हाट इज अप्रोप्रिएट, कॉजल रिसर्च टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल्स आर द कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड विच वेरिएबल्स आर द इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जैसे अभी हमने बात की कौन से इंडिपेंडेंट है कौन से डिपेंडेंट है. टू डिटर्मिन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉजल वेरिएबल्स एंड द इफेक्ट्स टू बी प्रेडिक्टेड. नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, दोनों का कैसा रिलेशनशिप है, एक चीज़ बढ़ती है एक कम होती है, या एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक कम होगी तो दूसरी भी कम हो जाएगी, उससे हमें उसके इफेक्ट्स भी हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि अगर रिलेशनशिप जिस तरह का रिलेशनशिप है वैसे ही इफेक्ट्स होंगे. दिस इज नाउ द सेकेंड लास्ट स्लाइड. वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड लेट्स डू अ क्विक रिव्यू व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन. Today's session was very important. Research design. It is a structured way of doing a research. Research design से पहले आप पहले के steps क्या थे, आपने define किया what is your research question. Questions को list down किया, list down करके आपने उसके में देखा कि what are the relevant ones, what do you want. और बिफोर डिफाइनिंग योर रिसर्च क्वेश्चंस, व्हाट डिड यू डू, यू डिड योर लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू से क्या पता चला, लिटरेचर रिव्यू से आपको पता चला व्हाट आर द मेथडोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, क्या काम हो चुके हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स लोगों ने कैसे उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, क्या किया था. फिर रिसर्च क्वेश्चंस आपने डेवलप किए, आपने अपना आइडिया रिफॉर्म किया, आप रिसर्च क्वेश्चन से आपको पता चला आप करना क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहते हैं. देन यू डिफाइंड योर रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम में आपने लिस्ट डाउन किया कि ये प्रॉब्लम है, इसके मैं सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता हूँ, और उसके बाद आपने रिसर्च प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म किया रिसर्च ऑब्जेक्टिव में, कि मैंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए कैसे, मैंने क्या करना है. बेसिकली रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम ही होती है, बट इट इज रिटन इन एन एक्शनेबल वे. ये इशू है, टू डिटरमिन अ सॉल्यूशन फॉर दिस इशू, दिस इज रिसर्च ऑब्जेक्टिव. रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बेस पे आपने क्या किया, हाइपोथेसिस डेवलप किया. हाइपोथेसिस क्या है, योर हंच, व्हाट इज योर आइडिया, व्हाट इज योर थ्योरी, what are the alternatives that you think. Phir the most important thing comes research design. Research design is all about how are you going to conduct this research. Isme aap dekhenge, do you have enough resources available,
आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, आपने इसमें डिज़ाइन में एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन अडॉप्ट करना है, डिस्क्रिप्टिव अडॉप्ट करना है या कॉजल, किसके बारे में आप ज़्यादा क्लियर हैं, आपने क्लियर स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है बेसिकली। देन क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आज के लेक्चर में हमने फर्दर क्या डिस्कस किया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। या तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन को हम अडॉप्ट करते हैं, उस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद एक और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम जनरेट करते हैं, या हम कॉजल रिसर्च जनरेट हो जाती है। फर्दर हमने डिस्कस किया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बेसिकली रिपोर्टिंग होती है एक सिचुएशन की एज इट इज़, और इट इज़ मोस्टली यूज इन मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स। देन फाइनली वी डिस्कस्ड कॉजल रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, इनका रिलेशनशिप क्या डिटर्मिन करता है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू वेरी मच।